तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर घूमते घूमते। ये हैं पूरी अरावली की पहाड़ियाँ। ये चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये स्थान है। और हम एक ये ऊंची जगह है, ये पीछे एक मंदिर बना हुआ है, आश्रम टाइप है। यहाँ भी अपन चलेंगे अभी। और इधर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कंप्लीट पूरा अरावली रेंज है ये, पूरी चारों तरफ पहाड़ियाँ और पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको क्लू दूंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं, आपको गेस करना है कि ये स्थान कौन सा है। हालांकि मैं वीडियो, आप वीडियो देखते रहिए, मैं पूरी चीज़ें आपको इसके बता दूंगा। ये जो स्थान है बिल्कुल दिल्ली के, जयपुर के आपके बिल्कुल नज़दीक है। जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है, दिल्ली की बात करें तो 250 किलोमीटर है। और वीकेंड के लिए ये बहुत ही शानदार स्थान है, आप एक दिन के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। ये आ गया। दोस्तों इस समय खड़े हैं हम योगीश्वर महादेव सिद्ध पीठ जो है वो है सरजू सागर। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये बांध है और बहुत बड़ा बांध है। अभी बरसात नहीं हुई इसलिए पानी इसमें थोड़ा कम है। और ये जो जगह है बिल्कुल सिद्धपीठ के रूप में, योगेश्वर महादेव के रूप में मानी जाती है। नीचे यहाँ के जो सिद्ध पुरुष थे महात्मा जी, उनकी समाधि है। और अभी इस मंदिर को जो है एक साध्वी जी महाराज हैं, वही इसका संचालन करती हैं। और ये जो बांध है, इस बांध के बिल्कुल एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। और यहाँ से जब आप दृश्य देखेंगे चारों तरफ का, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये सामने मंदिर है। और आप ये देखिए, आप एकदम पूरा आगे तक चारों तरफ ये अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं। और पूरा जो है ये एरिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत ही शानदार स्थान है। अगर आप थोड़े समय के लिए आएँ तो ये जगह बहुत ही परफेक्ट है आपके पिकनिक के लिए, एंजॉय के लिए। दूरी की बात करें तो मैं आपको दूरी बता देता हूँ इसकी। कंप्लीट जो दूरी है वो मैं, दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है, जयपुर से लगभग 120-125 किलोमीटर है, और सीकर से इसकी दूरी लगभग 45-50 किलोमीटर होगी, 45 किलोमीटर के या 50 किलोमीटर के आसपास है। ये जो जगह है बहुत ही शानदार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह है। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर, ये एक तरह से पूरा जो एरिया है, पूरा जो अरावली पर्वतमालाओं का ये जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक सौंदर्य से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर यहाँ जो शेखावटी के प्रसिद्ध जो दर्शनीय और तीर्थ स्थल हैं, जैसे बात करूँ तो मैं खाटू श्याम जी है, इसके अलावा आपका शालासर बालाजी है, जीण माता जी है, और इस समय हम खड़े हैं एक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ के पास जो शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है, वो जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अभी अपन वहाँ चलेंगे, हालांकि मंदिर अभी बंद है, लेकिन यहाँ अगर आप आ रहे हैं शालासर खाटू श्याम जी, तो आपको इस जो एरिया जो है इसका विजिट अवश्य करना चाहिए। और विशेष करके मानसून में आनंद ही कुछ और है यहाँ का। दोस्तों इस समय हम इस, ये जो मैंने अभी आपको बताया था योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर है, पहाड़ी की एक चोटी पे है। नीचे मैंने अभी आपको दिखाया था एक बहुत बड़ा डैम है, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य है। और इस समय हम मंदिर के परिसर में खड़े हैं। मैं आपको यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं इस मंदिर के, इस आश्रम के, साध्वी योग श्री जी हैं, इनसे बैठते हैं, मिलवाते हैं इनसे। साध्वी जी आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। मेरा नाम साध्वी योग श्रीनाथ है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। इस स्थान का महत्व, पौराणिक महत्व ये है कि यहाँ ऋषि जमदग्नि, परशुराम जी, रावण, इंद्र आदि ने तपस्या की है, तपस्थली है, और उस तपस्या का प्रभाव आज भी इस स्थान पर है जी। जो यहाँ तपस्या करता है वो फलीभूत होती है जी जी। और वैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ इतना भरपूर है कि इसे शेखावटी का कश्मीर कहा जाता है। बिल्कुल।
तो दोस्तों और बारिश के समय में आके देखो तो यहाँ चारों तरफ झरने चलते हैं, झरने चलते हैं। साध्वी जी प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप होता है कि आनंद हर किसी के लिए आनंददायी होता है। तो दोस्तों साध्वी जी ने बताया कि ये जो स्थान है जिस समय हम बैठे हैं, और वैसे ये पूरा जो एरिया है वो बहुत ही पौराणिक महत्व का, और ये विशेष पौराणिक महत्व का बताया साध्वी जी। बहुत ही वेल एजुकेटेड अध्यात्म के रूप में इन्होंने अध्यात्म अपना लिया, राजस्थान विश्वविद्यालय से ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और पीएचडी कर रही हूं। पीएचडी, हाँ पीएचडी भी इनकी चल रही है, अभी थीसिस चल रही है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्थान कितना इम्पोर्टेंट है। तो सभी चैनल के व्यूवर्स को मैं बता देता हूँ, दूर दराज के जितने भी लोग हैं यहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो शायद यहाँ इस जगह से परिचित होंगे, लेकिन इस चैनल को जो दूर दराज के लोग जो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि दिल्ली जयपुर और इधर आपका सीकर है, दिल्ली जयपुर के बिल्कुल नज़दीक स्थान है। और मेरा सजेशन विशेषकर से ये रहेगा कि आप जब भी इधर की धार्मिक यात्रा पर सालासर या खाटू श्याम जी आएँ तो इस स्थान का विजिट आपको अवश्य करना चाहिए। खाटू श्याम जी यहाँ से 50 किलोमीटर है, जीन माता जी यहाँ से 40 किलोमीटर है, और सालासर बालाजी की अगर अपन बात करें तो यहाँ से लगभग सालासर बालाजी है वो लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। बिस्किट खा लेता है क्या जेबरे? तो ये तो कुत्ता सा तो नहीं लगता, ये कौन सी नस्ल का है? लेब्राडोर। हाँ सही है।